हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आज मैं खड़ा हूँ टाटा के बस एंड ट्रक के स्टॉक यार्ड में। और हमारे सामने खड़ा है टाटा का 407 प्लस फोर व्हील ड्राइव आर्मी ट्रक। आपने इसको पहली बार देखा होगा, आमतौर पर तो मैंने भी टाटा 407 की वीडियो बनाई है। आज मैं आपको टाटा 407 प्लस फोर व्हील ड्राइव, मतलब ये 4x4 टाटा 407 ट्रक है, इसकी मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा। इसके इंटीरियर, इसके एक्सटीरियर, इसमें आपको कैसा इंजन मिलता है, इसकी माइलेज, और मेन तो ये आर्मी में यूज होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल दूंगा। ये यूट्यूब की मेरे हिसाब से तो कम ही वीडियो होगी, बहुत से कम लोगों ने ही बनाई होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टाटा की 407 प्लस फोर व्हील ड्राइव की पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। और कैसे लगती है आपको मेरी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये इसकी ओवरऑल फ्रंट से लुक, यहाँ पे आपको बहुत से ये ट्रक खड़े मिलेंगे। ये स्टॉक यार्ड है, ये ऑर्डर पर ही आते हैं। इसके कलर की बात करें तो आर्मी ग्रीन कलर में हमारे सामने ये खड़ा है। इसकी फ्रंट से लुक की बात करें तो ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलती है जैसे कि नॉर्मल टाटा 407 में आती है, वैसी आपको सामने से लुक तो फील होगी। लेकिन कुछ इसमें चेंजेस हैं, वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इसमें बम्पर में ये मेन तो चेंजेस मिलता है, यहाँ पे इसमें आपको अलग बम्पर मिलता है और काफ़ी मजबूत इसमें आपको बम्पर दिया गया है अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पे आपको काफ़ी मजबूत ये सामने के टू हुक मिल जाते हैं। इस गाड़ी के फंसने की तो कोई संभावना होती नहीं है, लेकिन फिर भी फंस जाए या फिर कोई दूसरी गाड़ी फंस जाए तो इससे निकालनी हो तो फ्रंट में भी आपको दो दो ये टू हुक मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। और ये कलर इसका मेन अलग है, नॉर्मल टाटा 407 में आपको ऐसा कलर नहीं मिलता। यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिलता है ग्रिल के बीच में, और यहाँ पे आपको चोको शेप में हेडलैम्प मिलती है। यहाँ पर पूरी आपको चोको शेप में हेडलैम्प दी गई है। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको हेलोजन बेस इंडिकेटर दिए गए हैं। फ्रंट की लुक की बात करें तो यहाँ से ऊपर से आपको लुक बिल्कुल नॉर्मल टाटा 400 जैसी फील होगी। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े वाइपर मिल जाते हैं बड़ी सी विंडशील को साफ करने के लिए। और ये इसका बोनेट का एरिया 4x4 के साथ में आती है, और दो आपको यहाँ पर बम्पर मिल जाते हैं अगर आप देखेंगे तो, एक ऊपर और एक नीचे। और एक्सल में यह काफ़ी मजबूत बम्पर है, और ये है नीचे का एक्सल 4x4 के साथ में ये आती है। तो उसकी आपको यहाँ पर ब्रांडिंग भी मिल जाती है टाटा 407 प्लस फोर व्हील ड्राइव, क्योंकि इसमें दोनों एक्सल वर्किंग में अगर मैं नीचे से दिखाना चाहूँ तो 4x4 ये गाड़ी है अगर आप देखेंगे तो, गाड़ी क्या ये ट्रक है। ये इसकी साइड से लुक अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको साइड से लुक मिलती है। यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स फ्लैट एज इनसाइड की ब्रांडिंग मिल जाती है, या टाटा की टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत से ट्रकों में मैंने आपको दिखाई है। अंदर आपको काफ़ी अंदर फीचर मिल जाते हैं मीटर में, उसके लिए आपको यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है। काफ़ी बड़े बड़े आपको आउटसाइड मिरर मिलते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में आउटसाइड डोर हैंडल मिल जाते हैं। MRF किस्म है, टायर लगे हुए हैं, और टायर भी जो नॉर्मल टाटा 407 में आते हैं उससे आपको अलग टायर मिलते हैं। MRF के आपको टायर दिए गए हैं जिनके अगर मैं आपको सही चीज़ दिखाना चाहूँ तो एक्चुअल में काफ़ी बड़े आपको टायर मिल जाते हैं। इनकी सही जहाँ पर लिखी गई है 8.25 आर 16 इंच के आपको टायर दिए गए 16 इंच के। ये ओवरऑल साइड से लुक, यहाँ साइडों में आपको प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको पूरे फुट स्टेप दिए गए हैं। अगर ड्राइवर को ड्राइवर साइड डोर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लीटर की बोतल रखने की स्पेस मिल जाती है, और मैनुअली आपको विंडो वगैरह के कंट्रोल मिलेंगे। मजबूती तो टाटा की आपको पता ही है कैसे आपको मजबूती मिलती है, काफ़ी अच्छी आपको मजबूती मिल जाती है। यहाँ पर एक 12 वॉट की बैटरी दी गई है, उसको कट को ऑन ऑफ करने के लिए भी आपको यहीं पर स्विच मिल जाता है जिससे कि बैटरी के कट को आप ऑफ कर सकते हैं कनेक्शन को। यह है नीचे की एक्सल, साइड में आपको गार्ड मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। चार चंगों का ये टाटा का ट्रक है, और यहाँ पर इसमें काफ़ी मजबूत पत्तियाँ लगी हुई है। यह इसकी रियर की लुक अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे आपको रियर से इसकी लुक मिलती है, ऊपर भी आपको लाइटें मिल जाती है रूप में, ये एक अच्छी बात है। और रियर में इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, फीचर्स का भी टाटा ने पूरा ध्यान रखा है। रियर में आपको 5 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 करके, और नॉर्मल से आपको हेलोजन बेस रियर में टेल लैंप मिल जाती है। स्पेयर व्हील की बात करें तो वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। रियर में एक आपको ये गार्ड मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको टू हुक मिलता है अगर कोई दूसरी गाड़ी फंस जाए इससे निकालनी हो तो, क्योंकि 4x4 है, रेत हो चाहे कैसा भी रेगिस्तान हो उसमें ये फंसती नहीं है, उसी के लिए मैन बनाई गई है। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है, और अंदर से मैं इसको दिखाना चाहूँ
तो ऐसे आपको अंदर से ये फील होती है। ऊपर आपको पूरे पकड़ने के लिए हैंडल मिल जाते हैं, पूरे आपको पकड़ने के लिए हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सीटें मिलती है, दोनों साइड में आपको सीटें मिल जाती है। यह है इसकी ओवरऑल लुक। दो आपको फायर एक्सटिंग्विशर के टैंक मिल जाते हैं इस टाटा 407 आर्मी ट्रक में। यह इसकी ओवरऑल लुक। इस रियर के डाले को भी यहाँ से ओपन किया जा सकता है आसानी से, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। इस साइड की बात के तो यहाँ पे आपको 60 लीटर का डीजल का टैंक मिल जाता है यहाँ पर आपको, और उसके आगे आपको एडब्लू का टैंक मिल जाता है। यहाँ पर आपको एडब्लू का टैंक मिल जाता है। ये इसकी ओवरऑल नीचे की लुक। यहाँ पे आपको साइलेंसर मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी पावरफुल 3000 cc के राउंड में आपको इंजन मिल जाता है, जो कि आपको पावर देता है 100 HP की। यहाँ पे FE की ब्रांडिंग भी दी गई है। अभी मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँ तो ऐसा आप इसको ओपन करते हैं। ये इसका ड्राइवर साइड डोर, ये इसका ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल रखने की स्पेस मिल जाती है, और भी आपको यहाँ पर स्पेस दी गई है। यहाँ पे ड्राइवर के सीट के नीचे स्पेस दी गई है जैक वगैरह रखने की। यहाँ पे पीछे हालांकि रखा गया है। यहाँ पे टायर प्रेशर की आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फुट स्टेप मिल जाते हैं, जिन पर भी पाँव रखकर ड्राइवर इसमें बैठ सकता है आसानी से। ऐसे वो इसके अंदर बैठ सकता है ड्राइवर, जैसे कि अभी मैं बैठ गया हूँ। ये इसकी स्टीयरिंग व्हील, ब्लैक कलर में टाटा की आपको स्टीयरिंग व्हील मिलती है। ये इसका मीटर, अगर मैं इग्निशन को ऑन करके दिखाऊँ तो ऐसा आपको मीटर मिलता है, जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन शो होती है। टैकोमीटर, इंस्ट्रोमीटर, फ्यूल गेज मीटर, टेम्परेचर का मीटर। बीच में आपको काफ़ी बड़ी एमआईडी मिलती है। अभी इसके बैटरी का कनेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। यहाँ से आप इसके वाइपर चलाएंगे, इस साइड से आप इसकी लाइटों को चलाएंगे। हेडलाइट लेवल वगैरह के स्विच भी आपको यहीं पर मिलेंगे। 80 की इसकी टॉप स्पीड है। यह ओवरऑल इसका केबिन। यहाँ पे आपको गियर मिलता है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसा आपको गियर मिलता है। इस पर सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है। 5 स्पीड का मैनुअली आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है। AC तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको ब्लोअर मिल जाता है, जैसा कि नॉर्मल टाटा 407 में भी मिलता है। टाइप ए का सॉकेट दिया गया है। इसमें कंपनी का इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको काफ़ी आपको कंट्रोल मिलते हैं हजार्ड लैंप वगैरह के। यहाँ पे हेल्प का भी आपको ऊपर बटन दिया गया है। ये इसका ओवरऑल केबिन। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, और ड्राइवर के साइड में 2 जनों के बैठने की पूरी व्यवस्था दी गई है। ड्राइवर के साइड में 2 जने आसानी से बैठ सकते हैं। ऊपर आपको एक रीडिंग लैंप मिल जाती है, मतलब रूफ लैंप पूरी। और यहाँ से विंडो का एरिया दिया हुआ है, अगर गर्मी हो तो ड्राइवर इसको ओपन भी कर सकता है। यह ओवरऑल अंदर की लुक। यहाँ पे इसके ये लीवर दिया गया, अगर आप देखेंगे तो 4x4 में लगाना है या फिर नहीं, उस चीज़ का लीवर मिल जाता है। यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टैंक मिल जाता है। अभी मैं आपको इसके इंजन को भी दिखा देता हूँ, कैसा आपको इसमें इंजन मिलता है। 8 से 10 के अराउंड में इसकी माइलेज होगी। यहाँ से इसका बोनेट ओपन होता है। यहाँ से इसका बोनट आपको ओपन करना होता है। फीचर आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी भारी है। मेरे हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से तो आप इसको ओपन कर ही नहीं पाएंगे। एक हाथ से तो आप इसको ओपन कर ही नहीं पाएंगे, इतना आपको मजबूत ये मिलता है। बोनट का एरिया इसमें काफ़ी नीचे ये लगा होता है। ऐसे करके आप इसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं मेरी भी काफ़ी जान लग गई। ये इसका 3000 cc का इंजन, जो कि इसको 100 HP की पावर निकाल कर देता है। काफ़ी मजबूत बोनेट मिल जाता है। हालत ख़राब होगी इसको ओपन करने में। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।